नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉक इंडिया। आज हमारे पास है ब्लिट्स वुल्फ कंपनी की ओर से उनका फास्ट वायरलेस चार्जर। जी हाँ, यहाँ पर लिखा गया है BWFWC4। इसका मतलब होता है ब्लिट्स वुल्फ, जो कि कंपनी का नाम है, फास्ट वायरलेस चार्जर मॉडल नंबर 4। ये हमारे पास बॉक्स है, पीछे उसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे गए है। फास्ट वायरलेस चार्जर ऐसा लिखा गया है, मॉडल नंबर है, कलर उसका ब्लैक है। उसके आइटम के डायमेंशंस लिखे गए हैं 90x90 11 mm, और इनपुट 5 वोल्ट 12 वोल्ट वाला है। मैक्सिमम इसका आउटपुट हम निकाल सकते हैं वो है 15 वोल्ट। ओके, चलिए इसको फटाफट काट लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और उन्होंने क्या क्या दिया है। चलिए, एक तो ये फास्ट वायरलेस चार्जर आ गया। इसके बाद सब कुछ आ गया है, चलिए इसमें देख लेते क्या है। जी हाँ, ये है उसका चार्जिंग का केबल। जी हाँ, आप जैसे देख पा रहे हैं माइक्रो यूएसबी है और ये फ्लैट केबल है। चलिए, उसके कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। ओके, जी हाँ, ये है मेन प्रोडक्ट। चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। ओके, तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लिट्स वुल्फ लिखा गया है और ये काफी शाइनी है। यहाँ पर पीछे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, फास्ट वायरलेस चार्जर मॉडल नंबर, इनपुट आउटपुट और कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस। तो बिल्कुल बहुत ही छोटा है, हमारे जैसे हम जो यूज करते हैं सैमसंग के वो बहुत बड़े है, ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप देख पा रहे है यहाँ पर एक LED इंडिकेटर है जो आपको बताएगा आपका फोन चार्ज हो रहा है या फुली तरह से चार्ज हो गया है। यहाँ पर इनपुट के लिए माइक्रो यूएसबी दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने दिया गया है जैसे स्लिप ना हो। ओके, अगर आप किसी सरफेस पे रखेंगे तो स्लिप नहीं होगा। चलिए फटाफट इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो माइक्रो भी आ गया है तो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ओके, और ये है, अगर ये क्लेम करता है कि फास्ट वायरलेस चार्जर है, अगर आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो आपको मेरी तरह आपको कोई भी फास्ट वायरलेस चार्जिंग एडोप्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये एक कंडीशन आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें एडोप्टर इंक्लूड नहीं है तो आपको ये एडोप्टर बाहर से परचेज करना पड़ेगा जो भी फास्ट वायरलेस चार्जिंग वाला हो। चलिए, हमारे पास MI का पावर बैंक है तो उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, चलिए कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे LED इंडिकेटर ऑन हो गया है। जी हाँ, अब हमारे पास दो मोबाइल है, एक है सैमसंग का S8 और ये है iPhone 8। चलिए iPhone 8 रखते हैं और देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रखने से ही, क्योंकि मैंने अभी चार्ज किया था तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने रखा उसको चार्जिंग का इंडिकेटर आ गया। ओके, उठा लेते हैं, रखते हैं। ओके, चार्जिंग हो रहा है। और ये है हमारा पास S8, चलिए इसको भी रखते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं दोनों फोन मैंने 100% चार्ज करके रखे थे तो यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेटर दिख जाएगा। ओके, आप जैसे देख पा रहे हैं चार्जिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पर लिखा आ रहा है फास्ट चार्जिंग। ओके, तो आपके पास आईफोन हो, आईफोन 8 हो, तो आपको इस चार्जर से 7.5 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, और अगर आपके पास S8 या S9 है तो आपको 10 वाट तक का आउटपुट मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली चार्जर है वो डिसाइड कर लेगा कि आपने कौन सा फोन उसके चार्जिंग मोड पे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने इसे अली एक्सप्रेस से परचेज किया है। तकरीबन 1250 रुपए में मुझे ये इसका प्राइस पड़ा है और 10 दिन में मेरे घर पे डिलीवर हो गया था। तो मैं इसको आपको लिंक नीचे दे दूंगा। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।